परेशान हूँ, किस मेंटल स्टेटस में हूँ आप समझ सकते हैं। मैं पुत्र हूँ उनका, मुझे ताकने भी नहीं दिया गया शीशे में से कि देख लीजिए अपने पिता। ये तो आपको नहीं मिलने देंगे साहब, इसका कोई जवाब नहीं। जाइए कप्तान साहब से मिलिए, जाइए डीएम साहब से मिलिए, जाइए डीआईजी साहब से मिलिए, जाइए डीजी साहब से मिलिए, जाइए मुख्यमंत्री साहब से मिलिए। जानबूझ के चीजें कर रहे हैं अब सब, आप लोग को भी पता है, सब देश भी देख रहा, दुनिया भी देख रही, और 24 नजदीक 25-26 साल के जीवन में मैं 25 साल अपने बाप के बगैर रहा, मैं उनके जीते जी उनसे दूर रहा। हमने होली की दिवाली की खुशियां नहीं। माफिया मुख्तार अंसारी को तबीयत खराब होने के बाद बांदा जेल से मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया था। इस बीच मुख्तार के बेटे उमर अंसारी अपने पिता से मिलने अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन उमर का कहना है कि उन्हें मिलने नहीं दिया गया। इसके बाद उमर ने मीडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि पहले तो उन्हें बुलाया गया, वो रोजा रहते हुए भी 900 किलोमीटर का सफर तय करके अपने पिता को देखने के लिए आए, लेकिन उन्हें मिलने तो क्या, अपने पिता को देखने तक नहीं दिया गया। मैं 900 किलोमीटर चल के आया हूँ रोजा रख के, परेशान हूँ, किस मेंटल स्टेटस में हूँ आप समझ सकते हैं। मैं पुत्र हूँ उनका, मुझे ताकने भी नहीं दिया गया शीशे में से कि देख लीजिए अपने पिता। ये तो अब क्या इस पे बोला जाए, और क्या अभी कुछ कहना और सुनना बचा रह गया है। हम लोग सब्र से हैं, कानून के रास्ते से अपनी लड़ाई लड़ेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस मैटर को लेकर जा रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय देखिए, वहाँ से जो आदेश आएगा उसी पर हमें, से कहीं और अस्पताल में रेफर करने के लिए, उसी पर हमें उम्मीद है। न्यायपालिका पर हमें विश्वास है, न्यायपालिका पर हम अटूट यकीन रखते हैं, और हमें यकीन है कि जरूर अदालत से हमें न्याय मिलेगा। परिवार के और कौन लोग मिलने आए थे आपके साथ? सांसद जी आए थे, उनके आपने बाइक ली है अफजाल बाबा, और मैं आया था, मुझे मिलने नहीं दिया गया। मैं कल फिर आऊंगा और प्रयास करूंगा कि कल मुझे परमिशन मिले और मुझे अपने पिता को, जो इतनी गंभीर हालत में, उनको कम से कम देखने तक दिया जाए। ये इंसानियत और मानवता भी कोई चीज होती है। पुलिसिया और कार्रवाई और डंडा और ठीक है, सब कुछ अलग है, सब सरकार की कार्रवाई एक तरफ, लेकिन मानवता भी कोई चीज होती है। मतलब पुत्र आप भेजते हो एक को, मैं अपने से तो आया नहीं, आपने तार से सूचना भेजी जिसमें मेरा आखिरी पैराग्राफ में दो ही नाम लिखा है आपने, एक अफजाल अंसारी उनके भाई, एक उमर अंसारी उनके पुत्र, जिसमें से एक आदमी को आप मिलने दोगे? ये देखिए, ये साफ लिखा है मेरा नाम, आप चाहिए दिखाइए भी, ये मैंने सोशल मीडिया पे भी डाला, पुत्र उमर अंसारी और भाई अफजाल अंसारी, सांसद दोनों के नाम लिखे हैं इस पे, लेकिन नहीं मिलने देंगे। क्यों नहीं मिलने देंगे साहब, इसका कोई जवाब नहीं। जाइए कप्तान साहब से मिलिए, जाइए डीएम साहब से मिलिए, जाइए डीआईजी साहब से मिलिए, जाइए डीजी साहब से मिलिए, जाइए मुख्यमंत्री साहब से मिलिए। जानबूझ के चीजें कर रहे हैं अब सब, आप लोग को भी पता है, सब देश भी देख रहा, दुनिया भी देख रही, और 24 नजदीक है। बस मेरी अभी इस वक्त यही प्रार्थना है कि वो स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए। 24 में क्या कुछ रहने वाला है? जो होगा भैया वो आपके भी सामने आ जाएगा, हमारे भी अब कितना दिन ही बचा है। मेरी फिलहाल ये कामना है, एक पुत्र होने की नियत से, बाप सब कुछ होता है। मेरे 25-26 साल के जीवन में मैं 25 साल अपने बाप के बगैर रहा, मैं उनके जीते जी उनसे दूर रहा। हमने होली की दिवाली की खुशियां नहीं देखी, हमने ईद की बकरीद की खुशियां नहीं मनाई, क्योंकि मेरे बाप नहीं थे हमारे पास। और आज जब उनको इस परिस्थिति में देखता हूँ, और जब ये कार्रवाई देखता हूँ कि पुत्र अपने पिता से बुलवाया जाएगा, 900 किलोमीटर आएगा, और फिर ताकने भी नहीं देंगे शीशे से कि देख ले कि कैसे हैं, वो स्वस्थ हैं, जीवित हैं, ठीक हैं, ये भी नहीं देख ले। आप परेशान हैं 24 के लिए? कुछ अपील, कुछ अपने समक्ष कुछ पूछना है कि परेशान है कि नहीं है? कुछ स्वाभाविक है भैया, परेशान है, बहुत परेशान है, लेकिन बताया ना कि ईमान है, और ईमान यही है कि मौत और जिंदगी का मालिक सिवाय अल्लाह के कोई नहीं है। तो जब वहां से परवाना कट जाएगा, कोई बचा नहीं सकता। तो मुख्तार के बेटे ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, साथ ही कानून का रास्ता लेने की भी बात कही है। बता दें कि सोमवार की देर रात को जब मुख्तार की तबीयत खराब हुई, तो जेल प्रशासन ने आनन फानन में चिकित्सकों को बुलाया। जांच पड़ताल करने के बाद मुख्तार को मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में भर्ती करने की सलाह दी गई, जिसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार को मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में भर्ती करवाया गया। वहीं मंगलवार की शाम को मुख्तार अंसारी को अस्पताल से वापस बांदा जेल के लिए रवाना कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।